देख पर ओडिसा प्राइम बुलेटिन को पुनी थरे स्वागत। केन्दुझर जिला पाटणा निर्वाचन मंडली माछकोट ठारे बीजेपी पक्ष अनुष्ठित जवाब मागुची ओडिसा कार्यक्रम रे झारखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जगदे ओडिसा सरकार को विफलता और केन्द्र रे बीजेपी सरकार को सफलता उपरे उपस्थित जनसाधारण को सचेतनता करबा सह केन्द्र रो बीजेपी सरकार देशर जनहित रो प्रगति और देशर उन्नति पई ग्रहण करथिबा योजना और पदक्षेप को ओडिसावासी स्वागत करबा सह आसंता साधारण निर्वाचन रे बीजेपी सरकार सृष्टि करबा को श्री अर्जुन मुंडा जनसाधारण को निवेदन करछिदि। कार्यक्रम रे विलंब रे पहुंचितबा अर्जुन मुंडा को आदिवासी नेता अखिल चंद्र नायक को द्वारा विभिन्न आदिवासी लोक नृत्य दल नृत्य माध्यम रे मंच को पछाड़ी नहीं थे। आज कार्यक्रम जवाब मागुची ओडिशार पटना विधानसभा निर्वाचन मंडल रही माछगढ़ आज माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ झारखंड अर्जुन मुंडा महोदय एवं पार्टी को भल पाथ्वा साधारण भोटर टू आरंभ करी कर्मकर्ता टू आरंभ करी साधारण नागरिक विभिन्न आदिवासी संप्रदायर सांस्कृतिक संगठन माने आज अर्जुन मुंडा को स्वागत करने भव्य संवर्धना देवाई बहुत परिमाण में आपन देखिपुर हजार हजार लोक आज हेलीपैड और मीटिंग स्थल सभास्थल उपस्थित अच्छा। विधानसभा का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन और आम नागरिकों का यहाँ गैदरिंग था और बहुत अच्छा लगा, परंतु मेरे समय अभाव के कारण मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया, इसलिए कष्ट है। पर इस उत्साह को देख करके ऐसा लगता है कि 2019 के चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार। केन्दुझर जिला उपखंडे नरनपुर पंचायत ऑफिस ठारे भीमभोई सामर्थ्य शिविर अनुष्ठित हो जाए। यह कार्यक्रम में विभिन्न वर्गर भिन्नक्षम चिन्हट कर से जो योग्य बेचित होता लोक प्रमाणपत्र पंजीकरण कर उपयुक्त स्थान में नूतन ट्राइसाइकल कर्णयंत्र आशावाड़ी प्रदान कर कार्यक्रम में सदर ब्लक उन्नयन अधिकारी आदिकांत बेहरा ए विडीओ भागवत नायक प्रमुख उपस्थित थे। बीजेपी कथा नुहे कामरे विश्वास रखे, विभिन्न योजना नाम लोक भुआ बुले से भावना सहित खेल खेल अपेक्षा बास्तवता को सामना कर सत्साह जाग्रत करवा मोर लक्ष्य। राज्यवासी को ऋण भोज में पोति मिछ बाहास्फोट मार कि माने न था शुक्रवार बोलगढ़ ब्लक कलांग पंचायत सोमनाथ मंदिर निकटस्थ तीन दूर पड़िया मुख्य अतिथि भाव में जोगद वरिष्ठ नेत्री तथा अवसरप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी अपराजिता षडंगी मंत्य रखी उपलक्षे आयोजित सभार सभापत वरिष्ठ नेता तथा आडभकेट लोतगोविंद पट्टनायक अध्यक्षता करते बीजेपी नेत्री जयश्री पट्टनायक अन्न्य बीजेपी कृषक मोर्चा सभा सभ्य विश्वजित साई प्रमुख उपस्थित थे। कहारे कौटा गड़ ना वर्तमान कथा उठू परान्वित विकास आज आम तीन टा पंचायत बुलू जिते भी गाँ कवर करें कलांग जाता गलु बोलगढ़ गलु विभिन्न जगार विभिन्न अंचल भाई भाई मैंने अच्छा देखा समस्त समस्या आम शुणु बहुत समस्या रही कौट पक्का घर ना पाइप वाटर सुविधा ना स्वास्थ्य असुविधा अच्छी आपर भावी हेडमास्टर नाक्टर ना जब डक्टर अच्छा आसूना एमती है कि बहुत प्रकार असुविधा रही आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी गोटे शुभ दिन भावतु आम आज अपरिता षडंगी पदयात्रा कार्यक्रम चलता प्रथम बोलगढ़ तपर कलांग फासीदा तर मालिशियारे आमर किछि मिश्रण पर्व थिला तेणुकरी आगामी दिन में बहुत संख्या रे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता योगदान करिवे एवं ए आउची गोटे शुभंकर शुभ दिन बोली भावंतु। ए वर्ष मैट्रिक परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ाक आउ अतिरिक्त 15 मिनिट समय मिलिबो नाही। परीक्षार्थी माने प्रश्नपत्र बुकलेट को परीक्षा आरंभ समय ठीक 10टा रे ही खोली परीक्षा देबे। पूर्व वर्ष भली परीक्षा आरंभ रु 15 मिनिट पूर्व रु प्रश्नपत्र बुकलेट खोली परिबे नाही। चलित वर्ष पास करबा पई उभय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 15 नंबर रखा कड़ाकड़ी करा बेले प्रश्न पढ़ापी 15 मिनिट अतिरिक्त समय काटिदे परीक्षार्थियों अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करती। आसंता 22 तारिखर आरंभ हो हाईस्कल सर्टिफिकेट परीक्षा रेगुलर एक्सरेगुलर संस्कृत ट्रोल स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा बोर्ड केन्द्रीय कार्यालय स्थित सेकेंडरी बोर्ड हाईस्कल चलता सुपरिंटेंडेंट मानक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोर्ड परीक्षा परीक्षा चालना संपर्कित जारी होता 70 पॉइंट विशिष्ट गाइडलाइन विषय में सूचना दी जाएगी। ए वर्ष मैट्रिक परीक्षा सकाल 10:00 आरंभ हो 12:30 शेष होव केवल गणित
12:45 ଶେଷ ହେବ। ମଧ୍ୟମା ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସକାଳ 6:00-8:30 ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରଖିବେ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 2:00 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏମ୍ପି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆଦି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବେ। ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାର ଧମକ ଦେଲେ ଠିକାଦାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭବନ ଗତ 2014 ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବନିର୍ମିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭବନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି କୋଠା ଗୃହକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଠିକାଦାର ନରେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ 2005 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଠାରୁ ଧାରରେ ଆଣି 1,66,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ଥିବା ହାରାହାରି 50,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ରାଶି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧାର ଭାରରେ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତ ଭଳି ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରର ଅଭାବ ଅନଟନ ଓ ଧାର କରଜରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବକେୟା ରାଶି ନ ମିଳେ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ, ଯାହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ସରକାର ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ନରେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଡିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କାମଟା 1,67,00,000 5 ବର୍ଷ ପହଲା ନୂଆପଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ କାମଟା ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 50,00,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ପାମଳା ମିଳିନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ବୁଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ କଲେକ୍ଟର ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। 5 ମାସ ପହିଲା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ବୋଲିକି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଶ ଜାଭାରି ତାଙ୍କୁ ପଦ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଦେଶ ନାମା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର କେତେଜଣ ବିଚାରପତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପି ଦାସ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକେ ନାୟକ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପରିଜା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଭଳି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ଆଉ ପୋଲିସରା ଥାନା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ରାଲି ରୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କରାହେଉଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ବଦଳିଲା। ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଲାଲର ଠିକଣା। ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହରକୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ସବ୍ଜେଲରୁ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ ରହିବ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ। ଜେଲ୍ରେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲରେ କିଛି କଏଦୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜେଲ୍ରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା। 6 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଜେଲ୍ରୁ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ସବ୍ଜେଲରୁ ତାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ପାଲଟା ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଫସାଯାଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ ନାହିଁ ତେବେ କେଉଁଠାରେ ତାହା ନିର୍ମିତ ହେବ? ମକା ମଦିନା କି ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ରାମ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମୁସଲମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ। ଯୋଗଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିର୍ବିବାଦୀୟ ତଥ୍ୟ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ। ବାବା ରାମଦେବ ଗୁଜରାଟରେ ନଡ଼ିଆଡ଼ରେ 3 ଦିନିଆ ଯୋଗ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कोई मक्का मदीना और कोई वेटिकन सिटी में तो बनने वाला नहीं है। और ये निर्विवादित सत्य है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है और राम मात्र हिंदू ही नहीं मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। तो यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, न कोई वोट बैंक है, राम राष्ट्र की अस्मिता है, राम राष्ट्र की स्वाभिमान मर्यादा हमारे जीवन का आचरण है। तो राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए और राम और सीता जैसा चरित्र भी देश का बनना चाहिए। और इस देश को हमें भगवान राम और कृष्ण के सपनों का भारत बनाना है तो उसके लिए राम मंदिर निर्माण से लेकर के राष्ट्र का चरित्र निर्माण और एक ऐसा भारत का निर्माण जो आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व कर सके, ऐसा सबल भारत बनाना हमारा ध्येय। सुवर्णपुर जिलार अग्रणी नाट्य अनुष्ठान नोडल एसोसिएशन फॉर आर्मेचर थिएटर पक्ष राष्ट्रीय नाटमेला 2019 उद्घाटित हो कार्यक्रम में उद्घाटक भाव पद्मश्री साधु मेहर जोग देता बेले मुख्य अतिथि भाव में जिलापा मधुसूदन मिश्र और सम्मानित अतिथि भाव में जिला आरक्षी अधीक्षक देवीप्रसाद दास जोगद सामाजिक चलन में नाटक भूमिका गुरुत्वपूर्ण मत रखी तीन दिन धरी होगा मेल में राज्य तथा राज्य बाहर सतट दल भाग लेते मयूरभंज जिला जातीय युव प्रकल्प शाखा तरफ बम्बे छक प्रतिष्ठाता डॉक्टर एसएन सुबाराव जी जन्मदिवस खूब आडंबर सहित पालन हो जिलार विभिन्न ब्लक स्वेच्छासेवी और सदस्य मैंने जोग देते प्रकाश थाउ कि भारत प्रख्यात स्वेच्छासेवी गांधी दर्शन में निज जीवन को देश को समर्पित कर युवपीढ़ी प्रेरणार उत्स पलटि सुबाराव जी जहाँ देश में युवगोष्ठी भाईजी नाम से नामित करते से 91 वर्ष तले फेब्रुआरी 7 तारीख दिन जन्मग्रहण करते 10 वर्ष बयस गांधीजी आदर्श में अनुप्राणित हो संग्राम में झाँस देवास जेल जा देश सेवे निजक सामिल करते भारत वर्षर समस्त राज्यर विभिन्न समय क्रांति से सामिल हो कार्य करते तेज चंबल डाकू मान को सचेतन कर एकाथर के 250 ऊर्ध डाकू मान को आत्मसमर्पण प्रवर्तवा बेले भाईजी कथार पुलिस निकट में शताधिक डाकू आत्मसमर्पण कर इतिहास सृष्टि करते कोदला थाना पक्षर आज सोनमय हाईस्कल परिसर में 30तम जातीय सड़क सुरक्षा दिवस अनुष्ठित आम पुलिस कार्यक्रम पालन हो समस्त छात्र छात्री उपस्थित में ग्राम परिक्रमा कर जनसाधारण को प्रचार कर सचेतनता रहा कही जातीय सड़क सुरक्षा विषय में सुचारू रूपे कहला कोदला थाना अधिकारी श्री श्री सुशांत कुमार सेठी कार्यक्रम में अध्यक्षता कर मोटरजान आईन संपर्क में समस्त अवगत होगा सुरक्षापी गाड़ी चलाना समय हेलमेट और सीट बेल्ट पिंधापी और मद्यपान निवृत्त रहा द्रुत गति से गाड़ी चलाना नक थाना अधिकारी मत देते सुवर्णपुर जिला बिनिका ब्लक गुलुंडा छक में शह शह बस्तार सार जबत करिछन्ति स्थानीय बासिंदा स्थानीय चाषी मैंने कौन सूत्र खबर पाई आज सका दुईट नंबर विहीन मिनी ट्रक सहित एक ट्राक्टर कटकईते एन कागजपत 600 पैकेट इको सार बेआईन भाव में चलाण होता सन्देह कर बिनिका पुलिस को खबर देते पर पुलिस पहुंची गाड़ी को जबत करने अधिक तदंत जारी रखी ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर पर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहुचु नमस्कार।